मेरे पास जेन्युइनली कोई सवाल नहीं है। वाह, ये कोई इंटरव्यू की क्या शुरुआत हो सकती है। तीन शहरों के बारे में बात करते हैं, इंदौर, दिल्ली, बम्बई। हमें नहीं लगा था कि कभी भी हमारा यहाँ पे कुछ होगा इस शहर में, इस दुनिया में हमारा कुछ भी होगा। मैंने जिशान को भी फोन करके बोला था कि मैं ना फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ, क्योंकि उसका दायरा मुझे मालूम है। और अब इस दुनिया के दायरे से जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि गोल पोस्ट किधर है। मैं लात तो बहुत मार रहा हूँ, मैं दौड़ बहुत रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि जिधर मैं दौड़ रहा हूँ इस जंगल में कहाँ गोल पोस्ट है जहाँ पे जाके मेरा गोल हो सकता है, मैं कर पाऊँगा। मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तिरस्कार किया मेरा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो मैंने माफ़ किया, ठीक है, पर मैंने वो किस्से रख लिए, कहानियाँ रख ली। मुझे ऐसा लगता है घर जो है वो ना जगह है ना लोग हैं, वो एक याददाश्त है। घर एक उम्र के बाद सिर्फ एक याददाश्त है। आप उन्हीं लोगों के साथ सेम लोकेशन पे वापस चले जाइए, वो घर नहीं है। तो ये है मैं तेरा मेहमान, और आज मैं मेहमान हूँ अपने बेनतहा पुराने दोस्त का, जाकिर भाई। भाई साहब तो यार मेरे पास जेन्युइनली कोई सवाल नहीं है। वाह, ये कोई इंटरव्यू की क्या शुरुआत हो सकती है। मेरे पास कोई सवाल नहीं है, क्योंकि यार मतलब मुझे लगता है कि मेरे सारे जवाब मिल चुके हैं इतने सालों में। जी जी, इतने जी, सालों से मैं आपके आसपास रहा हूँ जी, तो सारे सवाल के जवाब मिल गए। हाँ। और तो आज हम बस बात करेंगे, और हम बात करेंगे उन शहरों के बारे में जिनसे हम गुजरे हैं, जिनसे आप गुजरे हैं। दो शहर में तो मैं भी गुजरा हूँ। एक मेरे पास एक सवाल था, आप क्योंकि आप बहुत लोगों से मिलते हैं दुनिया में, दो तरह के लोग हैं, एक जो निहाल भाई को पहचानते हैं ऑलरेडी, जो पहचानने वाले हैं, है ना, तो आपसे जब लोग मिलते हैं तो क्या सवाल पूछते हैं मेरे बारे में, वो आप बताओ पहले। अच्छा, जो मुझसे मिलते हैं और आपके बारे में पूछते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि आपको तो सारे सवाल पता है ना। हाँ, मुझे तो पता है। तो यार कई सारे लोग ना ऐसे पूछते तो हैं एक बार, हाँ। और ये पूछते हैं कि यार आप जाकिर भाई को जानते हो, सच में जानते हो? हाँ। हैं, बोलता हूँ हाँ यार मैं जानता हूँ। हाँ। तो हाँ, मतलब एक दोस्ती है, हाँ। तो अपन की दोस्ती 10-12 साल की हो। हाँ भाई। तो ये पूछते हैं तो फिर आप लोग की दोस्ती कैसी है? हाँ। मैं बोला अच्छी दोस्ती है। हाँ। वो वैसे ही है जैसे दिखते हैं यूट्यूब पे? बोलता हाँ यार वो एक्चुअली में, बाकी लोग की बात अलग, लेकिन वो वैसे ही है जैसे दिखते हैं। तो यार ये इस तरह के सवाल होते हैं, और बाकी सवाल तो ऐसे ही होते हैं ना कि मतलब कि यार वो अच्छा आप लोग साथ रहते हो तो क्या करते हो? हाँ। बोले यार वही करते हैं जो बाकी लोग करते हैं, मतलब, और क्योंकि हमारे मतलब यार बहुत जर्नी देखी है यार, मतलब मुझे लगता है कि पहले वीडियो से लेके उससे पहले भी कॉमेडी शुरू करने के वक्त से, तो एक मुलाकात पहले ज़माने से, तो निहाल जो है एक पोइट्री ग्रुप होस्ट करा करते थे, मालिक सर्वे सर्वा, अरे अरे करता धरता उसके होते थे, ठीक है, मुलाकात के। तो हमने कोई फेसबुक पे पोस्ट देखी कि एक कोई लड़का है बड़ा गुड लुकिंग सा, वो जो है ये सब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो हमने इनको मैसेज डाला, हम पहुँचे फिर अगली मुलाकात में इनसे मिलने, ठीक है, उसके उसकी भी अपनी अब कहानी है, मतलब बड़ी कहानी है, सुनाने लायक तो नहीं पर पर हाँ, तो हम ये ऐसे हमारी मुलाकात हुई, मुलाकात में हमारी मुलाकात हुई। हाँ, वहाँ भी बड़ा मजा आता था भाई साहब, वहाँ पे भी। और इस बात को हो गया 10 साल, इस बात को 10 साल, हम मिले थे 2011 में जी भाई, 2011 के अंत में हम मिले थे, हम लोग मिले थे, और उस समय आप दिल्ली में थे, रेडियो में नौकरी कर रहे होते थे जी भाई। और तो मतलब हाँ, शुरुआत में थोड़ा ऐसे वार्म अप के लिए मुझे याद आ रहा है कि मैंने भी कई बार ऐसे आवाज दी है। हाँ। हम लोग ऐसे कुछ कुछ किया करते थे। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग था यार। हाँ। वो एक, एक एक दौर हमने देखा, और वो सब लोग ना अपना अपना कुछ कुछ नया करने की कोशिश कर रहे थे, एक एक, हाँ। एक इस तरह का। अंकित मुझे याद आता है दिल्ली में, अंकित चड्डा जो दास्तान गोई करते थे, वो अब नहीं रहे हमारे बीच में। हाँ। वो बहुत टैलेंटेड लगा था वो भी, मतलब वो सब लोग उस टाइम, यू नो ऑल दीस पीपल, कितने बेहतरीन लोगों से हम मिले। हाँ, कितने बेहतरीन लोगों से हम मिले यार। मुझे लेकिन मतलब एक बात का आता है कि मतलब आपको नहीं याद होगा, मुझे याद है, मैंने आपको सजेशन दिया था, क्या क्या जाकिर भाई आप पोएट्री पे फोकस करो ना, कॉमेडी पे क्यों फोकस कर रहे हो? आपको नहीं याद होगा, मैंने जेन्युइनली आपको ये बहुत ही जेन्युइनिटी के साथ मैंने आपको ये सजेशन दिया था कि यार यार कॉमेडी तो देखो भाई कुछ है नहीं ना, मतलब कॉमेडी थोड़ी ना करियर होता है। हाँ, बोला था कि यार आप रिसर्च बन सकते हो, आप फिल्में लिख सकते हो। मैंने ये सजेशन दिया था आपको, और मैंने समझाया भी था कि यार ये गलत कर रहे हो, और अब मैं लॉन्ग टर्म में, लेकिन मुझे ऐसा विश्वास है जी कि मेरा जो विश्वास था वो सही था। हाँ। कि अगर आप वो भी करते ना, हाँ, तो भी इतने ही बड़े होते जितने ये कर रहे हैं। आपका प्रेम है भाई उनसे। तो मतलब वो सिर्फ वो था कि मतलब किस चीज़ पे फोकस किया, किस चीज़ में, हाँ, आगे बढ़े, किसी को सीरियसली लिया, वो बात है, लेकिन हाँ मुझे पता था कि हाँ यार ये इंटरेस्टिंग है। तो मतलब क्योंकि वो भाई वैसा भी रहता ना कि पोइट्री भी जब मुलाकात में भी करते थे तो बहुत शौक, बहुत मन से। हाँ हाँ, मतलब उसमें भी। और मैं इसीलिए बोलता हूँ ना क्योंकि मुझे याद है मैं मुलाकात में कभी किसी की कविता सुन के या नज़्म सुन के भी रोया नहीं था। मुझे आपकी एक पोएम याद है और उसको सुन के मैं रोया था,
मुझे याद है कौन सी वेब था, कितना धीरे चला हूँ। हाँ और पता है क्या वो सब ना, जब बाद में क्या हुआ कि बहुत ही शुरुआत है तो इसलिए बहुत पर्सनल पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो ये सब जब वायरल होने लगे ना, सारी कविताएं धीरे धीरे वायरल होने लगी, तो मुझे ऐसा लगता था ये तो बहुत पर्सनल था मेरा यार, ये सबको क्या पता चल रहा है, ये तो मेरा था, अरे ये तो हमारा मोमेंट था ना, हमने इतने इंटीमेट मोमेंट जिए हैं, ये सबको क्यों पता चल रहा है, अरे ये क्यों, अरे अरे 2 मिलियन 3 मिलियन अरे 10 मिलियन ये तुम लोगों को क्यों पता चल रहा है, ये हमारा था यार। जैसे वो जो था वो था ना जो क्या था वो बालों के बारे में, उसको अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता, उसे अच्छा नहीं लगता, वो तो मुझे बहुत अच्छे से याद है। हाँ। कि आपने सुनाया था और एक गैदरिंग में, एक मुलाकात के एक सेशन में आपके भी थोड़ी गला थोड़ा रुंध गया था। हाँ जी भाई जी। हाँ वो ये बहुत पर्सनल था। हाँ हाँ हाँ। और वो मतलब ऐसे देखा जाए मतलब लार्जर पर्सपेक्टिव में अच्छा लगता है कि सब तक पहुंची ये बात, सबने सुना, सबने सुना, बिल्कुल, तो मुझे अच्छा लगता है यार हमने शुरुआत में सुना। जी हाँ, जब किसी ने, जब कोई नहीं सुन रहा था तब आपने सुना, तब हम सुन रहे थे। तो हाँ वो तो लगता है कि यार ये अपना मोमेंट था, हमारा था, ये सबके पास नहीं जाना चाहिए था, लेकिन चला गया है तो अच्छा है, कोई बात तो अभी है। तो हाँ यार शहरों के बारे में बात करते हैं ना भाई। जी भाई बताइए। तो अब ऑब्वियसली कई शहरों में गए, कई शहरों में ट्रैवल किया, कई शहरों को देखा, क्योंकि यार काम ही ऐसा है ना, घूम घूम के परफॉर्मिंग आर्ट है। बिल्कुल। मुझे तो पता नहीं कितने शहरों में चले गए यार। हाँ जी जी भाई बहुत। लेकिन रहे 3 शहर में जी, इंदौर, दिल्ली, बम्बई। इन 3 शहरों के बारे में बात करते हैं। हाँ। इंदौर से शुरू करते हैं, और मैं ये नहीं बोल रहा कि यार वहाँ पे कैसे रहे क्या रहे, वो नहीं, वो क्या ना कि अब सबको पता है। हाँ हाँ। क्या है मतलब, क्या मतलब, यही सबको पता है, खजराने का लड़का है, सबको पता है, ये सब नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन इन 3 शहरों का ना टेम्परामेंट तो अलग है। हाँ बहुत ज़्यादा अलग है। तो मैं आपको एक एक गवाही देता हूँ आज, पहले एक वादा करता हूँ मैं आपको, इस इंटरव्यू में मैं जो भी कहूँ ठीक है वो नया होगा, पहला होगा, ठीक है, और कोशिश करूँगा कि ताज़ा बातें की जाए। हाँ। जो पहले नहीं बताई गई है ना, है ना। तो यहाँ से शुरू करते हैं पहले। इंदौर के बारे में आपको थोड़ा सा एक वो बताऊँ कि हम बाई चांस हम हैं राजस्थान से जी। मेरा जो ददियाल है वो सीकर का है, मेरा ननियाल जो है वो झुंझुनू का है। हमारे परदादा जो है वो जैन आके रहने लगे, उनके पीछे पीछे हमारे दादा आके रहने लगे, ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम बने, ठीक है, और 1947 से पहले लगे वो नौकरी, ठीक है, तो बड़े पुराने एम्प्लॉई वो रहे। तो वो मतलब जब उनकी नौकरी 1947 में शायद आ गए होंगे या जब भी उसके आसपास ही मतलब उनकी नौकरी लगी होगी, तो इंदौर में वो बसे, और वहाँ से हमारा इंदौर का सफ़र, ख़ानदान का जो है इंदौर का सफ़र परदादा के बाद से मेरे ख्याल से दादा से शुरू होता है। वो आए, उनकी शादी हुई वहीं पे, वहीं पे उन्होंने बच्चे बच्चे सब उनके पढ़े लिखे यहाँ सब सब। बहरहाल तो हम रहते थे रेडियो कॉलोनी में, D3 फ्लैट का नाम था, ठीक है, आकाशवाणी का कैंपस, और बड़ा खूबसूरत एक सरकारी कॉलोनी जैसी होती है, अच्छी पॉश, उसमें हमने शुरुआत करी। और मेरे पैदा होने के 6-7 साल बाद दादाजी हमारे रिटायर हो गए, तो फिर हम सीधे आए खजराने में। अच्छा। जो कि बिल्कुल वीराना इलाका, बंजर, कोई दूर दूर तक ना बंदा ना बंदी की जात, जहाँ भी मतलब देखिए सरकारी क्वार्टर तो सरकारी क्वार्टर होता है, एक दिन रिटायर हो गए खाली तो करनी पड़ता है आपको, है ना। तो वहाँ जब हम पहुँचे खजराने में, तो वहाँ पे हम क्योंकि सेंट पॉल्स में पढ़ते थे, स्कूल बहुत अच्छा था, ठीक है, और वहाँ पे क्योंकि उतना एजुकेशन का माहौल नहीं था और घर भी कम थे, और क्योंकि सस्ते प्लॉट थे इसलिए वहाँ पे घर लिया था। बिल्कुल। और सड़क नहीं है ना, बिजली नहीं है, मतलब जब हमारा घर बन रहा था तो वहाँ खंबे तक नहीं डले थे, तारे नहीं खींची थी, ठीक है, मतलब ये सब मेमोरीज हैं आपके पास। मेरी मेमोरीज बिल्कुल क्लियर हैं। तो हम जो है मैं वो एक वीडियो में जब हमने लॉन्च किया था, जब हमने तथास्तु अनाउंस किया था पिछले साल, तब उसके अंदर वो फोटो इस्तेमाल करी है मैंने, कि जिसके बगल में वो पूरी 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है जिसमें रोड नहीं थी, तो हम पैर में जो है प्लास्टिक की थैलियाँ जिसको बोलते हैं पॉलीथीन बांध के, कि जूते ख़राब ना हो, मुझे ख़राब ना हो, हम चल के 1.5 किलोमीटर जाते थे, क्योंकि रिक्शा वाला भी आने से मना कर देता था कि इतने अंदर कौन कीचड़ में आएगा, ऐसा था खजराना, ऐसा खजराना था। तो वहाँ से हम जाते थे, हम स्कूल बहुत अच्छे जाते थे, हमारे पापा टीचर थे, तो उन्होंने हमको बहुत शौक से पाला, अच्छे स्कूल भेजा है। पर क्या हमारी माली हालत उस लायक थी? नहीं। अच्छा। क्या हम स्कूल के जो बाकी बच्चे थे, ये स्कूल की मुझे यूनिफॉर्म मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। स्कूलों में यूनिफॉर्म किस लिए ज़रूरी होती है? कि हर तबके का लड़का बच्चा जब पढ़े, बच्ची जब पढ़े, तो स्कूल के पढ़ते वक्त ये ना हो कि इसके पास क्या है और उसके पास क्या नहीं है। अरे वाह, है ना। तो ये यूनिफॉर्म की यूटिलिटी है ना भाई। अच्छा पर्सपेक्टिव है। हाँ, वो इसीलिए होती है वो यूनिफॉर्म। बिल्कुल, बिल्कुल कि हर बच्चा जो है वो शायद वो उस दिन पता चलेगा जब आप बाहर निकले कि लेने कौन सी गाड़ी से आता है आजकल, ये बड़ा चला, आप रिक्शा में जाते हो, सब लोग रिक्शा में जाते हैं, आप भी रिक्शा में जाते हो, तो एक वो इक्वालिटी सी बनी रहती है, अनलेस कि कोई आपके घर आए और पता चले उसको, या बर्थडे पे आपने कौन सी चॉकलेट बांटी है, इससे ही
आपकी पोल खुलेगी, वरना आपकी पोल बंद ही रहती है, आपकी पोटली बंद ही रहती, मुट्ठी बंद है आपकी। तो खजराने में हम वहाँ रहना चालू किए। खजराने में मैं रहते हुए भी मैं खजराने का नहीं रहा, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। अच्छा, ये क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस ऐसे है कि भाई मेरी स्कूल क्योंकि मेरा था और स्कूल का मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था। दूसरा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं मोहल्ले में दोस्तियाँ कुछ भी बढ़ाऊँगा, या अगर मान लीजिए कोई छोटा मोटा अफेयर वगैरह कुछ हो गया, अगर मान लीजिए मोहल्ले में, तो बहुत जल्दी घर पर पता चल जाएगा। तो सारी जो हरकतें, सारा जो बचपन है, वो खजराने के बाहर का है। हाँ, तो खजराने में मुझे लिटरली कोई नहीं जानता। अच्छा। उनका जैसे कि जब नाम होना शुरू हुआ तो बाकी जो लड़के जो सबको पहचानते हैं, उनका वो अलग हो कि पर ये था किधर, कहाँ, ये कौन खजराने का है। अच्छा। मतलब ये हमारे नजर से कैसे बचा, क्योंकि 90% खजराने मेरे को सिर्फ निकलते हुए देखा और वापस आते हुए देखा। पर उसके अलावा कहानियां पूरे इंदौर की हैं। कहानी पूरा इंदौर गूंथ दिया मैंने। हाँ, मतलब ऐसी कोई सड़क नहीं है जिसपे से मैं चल के नहीं गुजरा हूँ। ऐसा कोई मोहल्ला नहीं जिसमें मेरे, मतलब कि जैसे मेरे जो दोस्त है कृष्णकांत, या मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जितने भी जो या जो स्कूल के मेरे दोस्त हैं और बाकी जो मेरे दोस्त हैं और उनके जो मोहल्ले हैं, उनके मोहल्ले उनके हैं ही नहीं, वो मेरे हैं वो। ठीक है, उनका घर है ही नहीं, वो मेरा घर है। वो वहाँ पे उनकी गली के किसी भी घर में घुस के मैं, मतलब मैं खटखटा के चाय बनवा सकता हूँ, इतना मेरा अधिकार है उनके, मैंने इतना वक्त बिताया है। तो वैसा, और ये अपनापन, अपनत्व जो है, वो अपनापन देने से अपनापन मिलता है। आप मैं इसलिए बहुत सारे जवान लोगों को बोलता हूँ कि घर पे मत बैठो, कुछ कुछ करते रहो, क्योंकि वो सारा अनुभव जो होगा एक्यूमुलेट होके ना कुछ बन जाएगा एक दिन, और आपको खुद समझ में आएगा कि अरे कितना बड़ा मैजिक था ये। तो ये जैसे जो कृष्णकांत हैं, उनका मंदिर है, ठीक है ना। अच्छा। तो उनके मंदिर पर बैठना, उनका गणेश उत्सव और ये नवरात्रि का प्रोग्राम होस्ट कराते हैं, उनके यहाँ बैठते हैं गणेश जी बैठते हैं, तो अब 9वें दिन उनके यहाँ डांस कॉम्पिटिशन होता है, तो डांस कॉम्पिटिशन होस्ट करना। अच्छा। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे काम जो है उनके घर के काम है वो, है ना, वो उनके मोहल्ले के काम है वो, पर वो मेरे बिना नहीं होते हैं वो। तब जैसे कि मान लीजिए मैं और वो मैंने निभाया है दिल्ली आने तक। अच्छा। कि कौन से दिन डांस कंपटीशन होगा 10 दिनों में से, जो 9 दिन नवदुर्गा में भी या गणेश जी जितने दिन बैठते हैं उसमें कौन से दिन डांस कंपटीशन होगा, इस बात से तय होगा कि मैं कब आ सकता हूँ दिल्ली से। अच्छा। तो इतना प्रेम, इतना सत्कार, इतना आदर जो है वो मुझे बहुत मिला है लोगों से। तो ये इंदौर से मैंने कमाया है, दोस्त कमाए बहुत सारे, और मेरा विस्तार काफ़ी था वहाँ पे कि एक बार घर के पास में किसी के यहाँ शादी थी जी, तो मैं बस वो एक वो एग्जांपल है बस छोटा सा, ठीक है। तो मेरे पापा से किसी ने पूछा कि जाकिर आया है क्या, क्योंकि बहुत सारी बाइकें खड़ी थी वहाँ घर के सामने, क्योंकि बगल में शादी थी तो बाइकें जो भी मेहमान आए थे उनके यहाँ आसपास खड़े थे, क्योंकि उनको लगा कि इतनी सारी बाइकें आई, मतलब जाकिर का कोई दोस्त आया कि जाकिर आया है क्या। तो वैसा वाला हिसाब था अपना, कि अपना विस्तार बहुत था, शहर में बहुत लोग प्यार करते थे और अलग अलग पॉकेट्स में दोस्त रहे। हमारे वालिद साहब ने हमको बचपन में एक बात कही थी कि यार हम गांव से निकले राजस्थान से, फिर स्कूल आए, फिर उसके बाद हमने 10+2 कहीं और से करी, फिर कॉलेज कहीं और से करी, हर जगह के दोस्त हम छोड़ते गए। ठीक है, और उन्होंने कहा बेटा जहाँ भी रहो संबंध बना के रखना। तो वो धागा जो है वो हम शुरू से पिरो के चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे मतलब वो वैसे है कि जिस गली में घुस जाए वहाँ कोई ना कोई प्यार से आवाज़ लगाने वाला है। उस्ताद आमिर खान साहब का बड़ा मशहूर किस्सा है। अच्छा। तो बॉम्बे बाजार में उसके पहले हम लोग बॉम्बे बाजार रहते थे। बॉम्बे बाजार इंदौर का एक इलाका है जो बम्बई में नहीं मिलता, वो बॉम्बे बाजार में मिलता है। ओए होए। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कहानी है बॉम्बे बाजार की। ठीक है, वहाँ पे मतलब आर्टिस्ट में सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट से लेकर तो वहाँ के सबसे बड़े गुंडे तक सब बॉम्बे बाजार में रहते थे। सब। ठीक है, हाँ। तो बॉम्बे बाजार में घर था सबसे पहला, मैं D3 के पहले बॉम्बे बाजार में रहते थे। अच्छा। तो बॉम्बे बाजार में उस्ताद आमिर खान साहब जो बहुत बड़े गायक रहे हिंदुस्तान के, मेरे ख्याल से उनसे मशहूर कोई क्लासिकल सिंगर है ही नहीं, कभी रहा नहीं। बिल्कुल, मतलब, बिल्कुल। यही तक कहा जाता है कि अगर तानसेन और बैजू बावरा के जमाने में आमिर खान साहब होते तो फिर आमिर खान साहब होते। अरे कितने सुंदर तरीके से किसी को, मतलब किसी की तारीफ भी सुंदर हो यार। तो वहाँ पे उन्होंने आमिर खान साहब से किसी ने पूछा, कोलकाता में उनका बड़ा नाम था कि बंगाली लोक गाना बजाना बहुत अच्छा कलकत्ता में माना जाता था। जी भाई। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इंदौर में क्या करने आते हो, मतलब हाँ थोड़ी उतना पैसा भी नहीं है उतना, आप फिर भी आप यहाँ आते हो, बोला आइए आपको चल। तो वहाँ पे एक बड़े मशहूर टेलर हैं, उनका नाम अमजद टेलर नाम है शायद उनका, जब अगर गलत नाम ले रहा हूँ तो जो देखेंगे उन्हें पता होगा। अच्छा। वो साहब उनका क्लेम टू फेम था कि दिलीप कुमार के वो कुर्ते पजामे सिलते थे। क्लेम टू फेम था उनका। एक बार सिल दिया होगा या सिलते होंगे रेगुलरली, कुछ भी हो, पर ये क्लेम टू फेम उनका कहानी है। कहानी है कि
तो बोले चाहिए चाय पी, चाय पी, मासूम करके एक चाय की दुकान थी, बुलाइए चाय पी। तो बाहर निकले चाय के, तो टेलर साहब ने उनको बोला कि अरे आमिर कब आए बे। उन्होंने कहा कि ये जो है ना अबे आमिर का जो अपनापन है ये सुनने आता हूँ। अरे यार कि इंदौर जब आता हूँ तो क्या, तो वो जो है ना मेरे दोस्त अमन, मैं किसी से क्योंकि तू करके बात नहीं करता हूँ, तो कोई मुझसे तू करके बात नहीं करता, तो इंदौर के वो चार वो जो लोग हैं। ये चीज़ ना, ये चीज़ हाँ मैंने आपसे सीखी जी, तो मेरे अंदर भी आया। तो कहते हैं ना कि यार संगत का असर होता है। हाँ, तो मैंने ये सीखा बहुत पहले, देखा था मैंने कि यार आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देते थे, और वो कोई भी आदमी हो, मतलब कई बार रिस्पेक्ट के लायक ना भी हो लेकिन आपने दिया है तो मुझे अच्छा लगता था। और आपने एक बार मुझे समझाया भी था ये बात, मतलब पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन आपने बताया था कि यार आप करके बात करें यार भाई बहुत अच्छा लगता है किसी और के बारे में, मैं किसी से तुम करके बात कर रहा था ऐसा करके, और मेरे साथ रह गई ये बात जी। तो मैं जनरली मैं अपने सभी दोस्तों को पता नहीं क्यों आप करके बात करता हूँ, उससे भाई बातचीत का एक लिहाज सा बना रहता है, लिहाज सा बना रहता है भाई, ठीक है, एक एक उसका एक डेकोरम सा मेंटेन, और एक रिश्ते की मर्यादा बनी रहती है। मतलब वो मैं समझता हूँ कि कैसे वो वार्म हो सकता है, पर मुझे वो गलत बात लगती है। अरे तू नहीं कहा किसी को गाली दे के बात नहीं, वो अपनापन आपके दिल में होता है, उसकी जबान से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई इंदौर, मतलब इंदौर का नहीं कह रहा हूँ कि हम जिन शहरों में बड़े हुए, जैसे मैं पटना में बड़ा हुआ, आप इंदौर में बड़े हुए, यार वो शहर जब अब हम जब उनके बारे में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेमोरीज किसकी आती है? इंदौर के बारे में जब बात करते हैं तो मेमोरी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? क्या शहर 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 से होता है, या दोस्तों से ज़्यादा शहर होता है, या परिवार से ज़्यादा शहर होता है? आपके लिए क्या है शहर के मायने अब, क्योंकि अब आगे बढ़ गया ना इसलिए? जी भाई, तो मैं आपको मैं घर के बारे में बताता हूँ आपको एक बात। जी भाई ये बात मुझे बहुत, मैंने बहुत इस पर सोचा है, और मुझे पता नहीं कि बहुत लोगों को ये बात पसंद आएगी नहीं आएगी, क्योंकि बहुत नई बात है, मैं भी प्रोसेस कर रहा हूँ उस बात को, ठीक है। तो हम लोग सब सोचते हैं, आपसे इतने साल से मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि भाई ये मैंने नया सोचा, आपको क्या लगता है कितनी बार कई बार हुआ है यार ना? तो ये वो नई बातों में से जो शायद मैंने आपसे रन थ्रू नहीं कराई है, पर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है घर जो है वो ना जगह है ना लोग हैं, वो एक याददाश्त है। घर एक उम्र के बाद सिर्फ एक याददाश्त है, आप उन्हीं लोगों के साथ सेम लोकेशन पे वापस चले जाइए, वो घर नहीं है। अगर आपने घर छोड़ दिया है ना अपना, छोड़ दिया है ना, एक वो शायद वसीम साहब का शेर है, वसीम बरेलवी साहब का शेर है कि कुछ तो है जो घर का आंगन दे नहीं पाता, जो ही सफ़र में नहीं होता कोई, ठीक है ना, मतलब शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ, मेरी आदत है अपने तरफ से जोड़ लेने की, पर ये शेर तो घर जब आप छोड़ के एक बार, अगर या तो आप वहीं रहो, पर अगर एक बार आपने वहाँ से अपना पेड़ी उठा ली ना, अपने अपना अपनी कुर्सी अगर वहाँ से उठा ली, वहाँ आप लगाओ शिप ऑफ थीसिस वाली बात है, आप वापस जाके वहीं पे जाएंगे, वो घर है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि घर एक याददाश्त है आपकी, एक सेफ्टी का, एक कंफर्ट का, एक वार्म की खुशबू है उसकी। एक घर ना, जब आपका घुटने में चोट लगती है और आपकी जब आपकी माँ आपको गोद में उठाती है, आपके पिता जब आपको गोद में उठाते, उस गोद से जो दिखता है ना वो घर, और उतना ही वो याददाश्त में, ना आप गोद में उठाने लायक हो, ना आपके माँ बाप जो है आपको गोद में उठाने लायक है, लेकिन ना वो मौसम है, ना वो दिन है, ना वो लम्हा है, घर है ही नहीं अब कहीं पे। एक उम्र के बाद आपका घर कहीं नहीं होता, आपको घर बनना पड़ता है। आप जहाँ भी रहते हो, आप अमेरिका में रहते हो तो अमेरिका में आपका घर है, आपको घर बनना पड़ेगा। अब आपका घर कहीं है नहीं, आपको घर बनाना पड़ेगा, आपको घर बनना पड़ेगा, आप लोगों का घर बनना पड़ेगा आपको। जब आप दूसरों का घर बनोगे तब आपको अपना घर मिलेगा। तो वो बात मैं समझ रहा हूँ अभी, उस बात को मैं प्रोसेस कर रहा हूँ कि घर कहाँ होता है, घर क्या होता है, घर किससे होता है? घर लोगों से होता है, घर जगह से नहीं होता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। तो जब शहर की बात हम करते हैं तो शहर मेरे लिए खाना है। इंदौर बहुत चटोरों का शहर। अच्छा, शहर मेरे लिए खाना है। इंदौर की जो खास बात है, जो बहुत सुंदर बात है, वो बहुत रिश्तों का शहर है। वहाँ बातचीत करने को ओपन है लोग, इसीलिए शायद वो इतना बदता हूँ मैं कि किसी से भी कोई भी बात कर लेता है। मतलब वैसे आप सिग्नल पे खड़े होकर बात करना चालू कर सकते हो। हाँ, ये तो आपको जवाब देंगे आपको कि हाँ अरे क्या चल रही है भैया, बोले बस चल रही है, धूप हो रही है यार, भोज रहे क्या, हाँ हो रही है यार भोज है ना, अरे शिकंजी वाला बहुत अच्छा मिलता ना आपको कार्नर पे, ये वो बता देगा आपको। मैं और विश्वास वॉक करते, गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया, विश्वास आया बताया इंदौर हम वॉक कर, विश्वास लंबा है ना। अब ये कोई औचित्य नहीं बनता किसी पान की दुकान पे बैठे हुए पान की दुकान के मालिक का सड़क पार चलते हुए दो लड़कों से पूछना, भैया कितनी कितनी, हाँ तो मैंने बोला कितनी लग रही है, अरे तो बोले 6-5, विश्वास बोला 6-4, बोले सही था ना, अरे यार 6-5 6-4 आसपास ही। ये क्या कॉन्वर्सेशन है, कोई इसका कितनी सुंदर कॉन्वर्सेशन हाँ। है तो वो उस जगह की मालवा की तासीर है, वो उसकी खुशबू, उसकी जमीन है, वो मालवा की मालवा की जमीन है कि मालवा पे भरोसा करते हैं लोग आप पे। अच्छा,
अनजान लोग अनजान लोगों से बात करते हैं। अरे वाह। और वो हम लकी रहे क्योंकि शहर बड़ा नहीं हुआ था तब तक उतना। हमारे बचपन में हमने वो भरोसा देखा है। हाँ। हमारे बचपन में हमने वो गांव के लोग देखे हैं, जो खजराना जो है गांव होता था। अच्छा। तो अभी भी गांव के लोग रहे थे, उनकी खेती बाड़ी, हमारे बहुत दोस्त हैं जिनकी खेती बाड़ियाँ हैं, ये सब तो गेहूँ कहाँ उगता है। जब इतना जब टीवी पर ऐड आते ना कि मालवा की मिट्टी का उगा हुआ शरबती गेहूँ, वो हमारी आंखों के सामने उगा हुआ देखा है हमने ना। उस पर पानी कैसे देते हैं, हमारे दोस्त हैं जिनकी खेती किसानी है, पानी देना कितना जाता है, ठंड में उगता है गेहूँ, ये रबी खबी पढ़ के नहीं याद आएगा आपको। जब आप असली का खेत देखोगे, ट्यूबवेल पे जाके पानी भरोगे, वो जब मिलने आता है आपसे, यार खेत पे पानी देने गया था इसलिए मैं तेरे से मिलने आ गया, चल मैं भी चलता हूँ, ठीक। अब वो दिसंबर की ठंड हो रही है, अत ठंड, 2 डिग्री टेम्परेचर में वो ट्यूबवेल से पानी निकाल रहा है, और वो किसानी को बहुत आसान काम नहीं, मुश्किल काम। तो मालवा की मिट्टी का मैजिक है, इसलिए सारा हिंदुस्तान वहाँ की रोटी खाता है, खाता है, ठीक है। तो वो सहनशीलता, वो वहाँ के कहाँ वहाँ का फैब्रिक में मेरे को, मैंने जो सीखा जी लिया वो ये था भाई, जैसे कि वहाँ पे सराफा है। हाँ। सराफा में रात को आप जाओ, आपको लड़कियाँ मिलेंगी खड़ी भी, खरीदती भी बेचती भी, जिनके ठेले हैं, ठीक है। मैं एक बार किन्हीं कारणों से जो है रात को 4 बजे सुबह निकला, ठीक है, और मेरे साथ कोई था, ठीक है। ये कितनी सुंदर बात है, रात को 4 बजे सुबह निकला, सुबह निकला रात को 4 बजे सुबह निकला, तो सुबह है पर कविता है, रात भी है, अंधेरा ही है। अब लोग उसे सुबह मानते हैं, लोग जिनकी सुबह उनकी सुबह, हमारी रात वो रात। तो 4 बजे निकला, बाइक हमारी लेके निकले हम तो, और इतना डर लग रहा था कि सुनसान शहर में कहाँ लेके जाएं इनको, ठीक है। हम सोचा राजवाड़ा, तब वो तो, और लड़कियों को यूजुअली लगता है कि अगर आप उनके साथ हो तो वो सेफ़ हैं। हाँ। पर हमको नहीं पता है ना कि सेफ़ है कि नहीं है, कहाँ लेके जाएं, हम भी 17-18 साल की थे, ठीक है। हम करते 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 हम राजवाड़ा चले गए, जो मेन चौक है, जो आप उसको इंडिया गेट कह लो, कुछ भी कह लो, वो राजवाड़ा, राजवाड़ा महल है नाम, देवी अल्ले का महल, ठीक है। हम वहाँ पहुँचे और वो टर्न के पहले ना, उजाला है, दुकानें खुली नहीं, 4 बजे तक खुली रहती थी राजवाड़ा पे दुकानें, सराफा जो टर्न पे। अब मुझे ये नहीं मालूम कि यहाँ गुंडे खड़े होंगे, लोग खड़े होंगे, मुझे ये तो पता ही खुला रहता है, पर कैसे जाऊँ मैं टर्न पे। जब मैं इतना एंग्शियस था ना उस वक्त, उस लम्हा टर्न, जैसे मैंने कहा ना भाई, पहला जो शख्स, जो इंसान मुझे दिखा, साड़ी वाली आंटी थी जो गोलगप्पे खा रही थी अपने 2 बच्चे लेकर। अरे कि इतना सेफ लगेगा ना अब आपको। हाँ। अब इस सिर्फ उस नजर से सेफ लगेगा आपको कि हाँ। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि कुछ हरकतें नहीं होती, होती होंगी अपनी तरह की, जो भी हो, सब जगह होती है दुनिया में, पर मैं नहीं कह रहा, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, ये मतलब सीधे एक भरोसा दे देता है ना। हाँ। कि यार माँ अपने बच्चों के साथ निकली है तो ठीक होगा, ये न्यू ईयर की बात है, फर्स्ट जनवरी की बात है। अच्छा, तो वहाँ पे ये है, ये सब हमने इंदौर में, हमने ये हमारे, उसके अलावा मैं सितार बहुत बजाया वहाँ पे जी भाई, तो एक अलग कल्चर है। तो मैं देखिए, मैं 3 चीजों में वेंचर किया, मैंने 3 स्कूल बदले हैं, कॉलेज मैंने वहाँ पढ़ाई करी, ये सब चीजें अलग हैं, और सब जगह जो है माशाल्लाह से बहुत नाम रहा है, मेरी इज्जत रही है बहुत। हाँ। उन ग्रुप्स में बिल्कुल बिल्कुल, जो दोस्त मेरे सब इज्जत करते हैं, एक ग्रुप में मेरा नाम प्रधानमंत्री, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाता हूं, ऐसे ऐसे वो उनसे मैं मिलता हूँ, वो पूरे 1.5 घंटे मेरी इंसल्ट करते हैं कि अपने आपको पता नहीं क्या समझता है, ऐसा है वैसा, मुझे बस हंसी आती है, मेरे को कुछ नहीं बोलना, मैं हंसता रहता हूँ, बोलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, फिर वो उनका अब वो भी करते हैं, तू पीट करके बैठा कर भाई हमारा, हमको फालतू अटेंशन नहीं चाहिए तेरे साथ, और वो फिर मुझे लेके जाते बाइक पे, घुमाते हैं मेरे को अभी भी। हाँ, मैं अभी आया हूँ, मैं पर्सन बाइक पे घूमता हूँ उनके साथ। अरे वाह, ठीक है। जो मैं इंदौर में आ रहा हूँ, मैं कार वार ये सब वो सब मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे को बांधो मत उस जगह, उनको इंटीमिडेट होते हैं फिर। अच्छा। हाँ, तो उनके साथ उनके मीटर का ही रहना पड़ेगा ना यार, आप ऐसे थोड़ा, आप वहाँ पे अपना पावर थोड़ी चलाओगे, फिर वो असली में नहीं मिलते, वो डर जाते, फिर डराना थोड़ी, अपना दोस्ती का मीटर क्या है? इंटीमेट हो जाएंगे। अपना दोस्ती का मीटर क्या है भाई, अपना एक दोस्त है। हाँ। हाँ ना, अपना दोस्त है वो अखबार बेचता है, वो भी अपना दोस्त है, अपना एक दोस्त है जो गाड़ी ठीक करता है, वो भी अपना दोस्त है, हमारा दोस्त है टाटा स्काई लगाता है, वो भी अपना दोस्त, अपना दोस्त है जिसका हॉस्पिटल है, वो भी अपना दोस्त है, तो अपना रेंज है दोस्त। हाँ, तो अब बाइक में इन लोगों से सबसे मिलना हो जाता है, क्या चल के पान, चाय पिला, चाय पिला फटाफट, वो चाय चाय लेके आ रहा है, जल्दी लेके बात कर लिया, हालचाल पूछ ली। तो भाई, आपकी कहानियों का शहर क्या है? मैं ऐसे बोल रहा हूँ क्योंकि जब आपने चाचा विधायक बनाया जी, तो इंदौर क्यों था वो, क्योंकि इंदौर भी कैरेक्टर है ना उस शहर में जी, उस कहानी में, मतलब उस कहानी में चाचा विधायक, मतलब आपको जब शो बनाने के लिए हुआ तो आप कहीं की भी कहानी सेट हो सकती थी, दिल्ली रहे, बॉम्बे रह रहे थे जब। हाँ, ये हुआ। हाँ। तो इंदौर क्यों चूज किया कहानी के लिए, कहने के लिए? यार क्योंकि मुझे इंदौर की राजनीति बहुत प्यारी लगती है।
अच्छा, और ये मेरा नजरिया है देखने का, वो ऑफकोर्स विभत्स होगी किसी के लिए, मेरे लिए बहुत प्यारी है कि वहाँ पे जो डायनामिक है जिस तरह का पॉलिटिशियंस का, और क्योंकि हम जब स्टूडेंट होते थे तो हम बहुत इंटरेस्टेड थे और हम उस तरह के लड़के बने हमारे कॉलेज के दौर में कि सब पॉलिटिशियन से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, है ना, और वो फोटो खिंचा लिया कंधा लगा के जरा सा, ठीक है और उसके बाद फिर वो आप मिले 2 सेकंड के लिए, फिर आप बोलते हैं अरे वो फलाने जी वो तो पीछे बढ़ गए, कहने लगे चल मेरे साथ चल, मैंने कहा टाइम नहीं मेरे पास, तो ठीक है अब झूठ मनगढ़ंत बातें आप बता रहे हो, अपनी जरूरत की आप हवा भर रहे हो, ठीक है, लोग भी रिकग्नाइज करते हैं कि आपका, और छोटे शहरों में जो सुंदर बात है कि अगर आप थोड़े भी डायनामिक हो तो आपके पियर में तो आपको सब लोग जानते हैं, ये तो आप मान के चलो। तो हुआ है कि हम क्योंकि म्यूजिक भी करते थे, सितार भी बजाते थे साथ, तो एक वो वाला ग्रुप था जो बहुत ज़्यादा इंडल्ज है अपने आप में ही, वो जो पुराने इंदौर का जो पूरा सर्कल है और रामबाग हुआ और ये सब इलाकों का, तो इनमें हमारा एक्सेस आया, इनमें हम खुले और लोग आप एक बात जो जो बचपना मेरा ना बिना प्रेम के गुजरा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, कोई ध्यान नहीं देता था, मतलब कोई प्यार नहीं करता था कोई, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि बच्चे का जो अटेंशन मिलता वो कभी मिला नहीं हमको। okay. पर हम ये बात ना अपनी जवानी के बारे में नहीं कह पाएंगे। हमको जहाँ जिस वक्त जिन भी लोगों में हम रहे उन्होंने बहुत प्यार किया हमको और बहुत ऐसे लाड से रखा। मैं विटनेस हूँ कुछ लेना देना ना उनका हमसे, कोई उनका वो नहीं हमसे, क्या नाम से, कोई सरोकार ना हो उनका हमसे, उन्होंने बहुत लाड से रखा हमको बहुत ऐसे, तो वही वो जो म्यूजिक वाले लोग भी उन्होंने बहुत प्यार से रखा, बड़े लोगों के साथ ट्रैवल किया हमने, बहुत ट्रैवल किया लोगों के साथ, कथक वाले बहुत सारे लोग, पूर्व दधीत साहब, रागिनी मैडम करके होती थी, गोडबोल मैडम होती थी, उन लोगों के साथ हमने बजाया है, रफ़ी नाइट में हम सितारों जाते थे साथ में कंपनी म्यूजिशियन ऐसे करके, यूथ फेस्टिवल में हमने बहुत पार्टिसिपेट किया, तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो है वो अक्यूमुलेट होकर मेरे लिए इंदौर बनाती है। इंदौर बनता है जी भाई, अब इंदौर से निकलते हैं, इंदौर से पहुँचे दिल्ली जी, ये सफर है ना। हाँ, इंदौर से वैसे बम्बई नज़दीक है। हाँ, लेकिन गए दिल्ली जी भाई, तो ये कैसा रहा, दिल्ली को क्या समझ में आया, दिल्ली की क्या समझ है, दिल्ली में कैसा वक्त गुजरा, और मैं दिल्ली में टकराया था। हाँ, तो अब यहाँ से मैं जुड़ जाऊंगा जी कहानी में, क्योंकि मैं अब जो सुनूंगा ना, मैं ऐसे आश्चर्यचकित भाव से नहीं सुनूंगा। हाँ, अब मैं उसको ऐसे विटनेस की तरह बताऊंगा, गवाही दूंगा मैं इस बात का। ऐसा पहली बार आपको होता था, मैं इंदौर से जब मैं दिल्ली गया जी भाई, मैं दिल्ली एक दो बार गया था, पर मैं अब्बा जी के साथ गया था, मेरे दादा। हाँ, अब्बा जी, अब्बा जी के साथ जाने में क्या रहता है, सब कुछ बड़ा ब्लॉक, अब्बा जी की शैडो बन के घूमना है आपको। अच्छा, अब्बा जी के पीछे पीछे चलना है कि अब्बा जो बोल रहे हैं, अब्बा जी कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, तो कुछ सीखा नहीं उसमें हमने। अच्छा, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, आकाशवाणी से होटल, ठीक है, यही आपका है, इसी में 3 दिन 7 दिन निकल जाएगा, उसके बाद ट्रेन पकड़ के चंडीगढ़ चले गए, ट्रेन पकड़ के आप लखनऊ आ गए, और उसी में आप तो कुछ भी आप दिल्ली एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि आप इतने डर में हो कि ट्रेन मिल जाए टाइम से, निकल जाए टाइम से, उनके रसरंगी आ गई क्या, बैग आ गया, उसी में आपका ध्यान रखने में आपको पूरा फोकस जा रहा है। दिल्ली बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत बड़ा है। मैं पहली बार कोर्स करने आया तो मेरे मामा आए मुझे मेरे साथ, कोर्स मतलब रेडियो का कोर्स, रेडियो कोर्स करने आया, तो मेरे मामा आए मुझे छोड़ने, पहली बार बात करने जब मैं आया वहाँ पे। अच्छा, तो नजफगढ़ के आगे किसी गाँव के अंदर अंदर एक हमारे को दूर रिश्तेदार है, उनकी डाइंग की फैक्ट्री है नजफगढ़। मतलब गुड़गांव के भी आगे, और नजफगढ़ तो कहाँ है, नजफगढ़ के भी बहुत आगे अंदर, मतलब आराम से 45 मिनट बस से नजफगढ़ मतलब से लगे। हाँ, मतलब उसको तो मैं बोलूंगा कि दूसरा शहर है। हाँ, मतलब वो तो हमारे कहानी में नहीं आता। मैं उतरा साहब निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे, फोन मेरा बंद है, नोकिया, ये बैटरी का प्रॉब्लम मेरा आज का नहीं। अच्छा, मेरा फोन बार बार बंद जाता है, मेरा आज का प्रॉब्लम नहीं, हमेशा से रहा, ठीक है, फोन मेरा बंद है, दिल्ली में मैं उतर गया हूँ और कोई नहीं है, मुझे पता ही नहीं मेरा मामा कहाँ रहता है, कैसे पहुँचना है, यहाँ से कैसे जाऊँगा, कैसे मिलेगी बस, कोई अंदाज़ा ही नहीं हो रहा है मेरे को, क्योंकि मेरा फ़ोन ऑफ है जी भाई। तो मैं बाहर निकला अपने हुमायूं टूम वाली तरफ, निज़ामुद्दीन दरगाह वाली तरफ से निकला मैं। हाँ, हुमायूं टूम पे जाके बैठा मैं, वहाँ पे एक आदमी बैग लेके आया, तो जो बस बैठा हुआ था ऐसे बैग टांगे जी, मैंने कहा भाई साहब मेरे को ये गुड़गांव में कौन सा चौक है, इफ़्को चौक जहाँ से बस मिलती है उधर की, ठीक है, मैंने बोला ये इफ़्को चौक जाना है मेरे को, बोले यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ थोड़ी मिलेगी, मैंने कहा कहाँ से मिलेगी, बोले एक मिनट बताता हूँ, यहाँ से सीधे जाओगे पैदल चलोगे तो वो वाला जो जंगपुरा वाला जो चौक है जहाँ घर था बाद में हमारे, हाँ हाँ हाँ, बोले यहाँ तक आप पैदल जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगी बस, यहाँ से ये वाली नंबर की बस लेना है, यहाँ से ऐसा कुछ तो उसने मुझे बताया। जब मैं गुड़गांव जा रहा था तब ये DLF और ये साइबर सिटी और ये सब बन रहे थे, तो ये बड़ी बिल्डिंग है, ग्लास वॉल बिल्डिंग्स और ये सब, और दिल्ली का ऑर्कुट पे बड़ा एक बदनाम मामला था
कि सारी जो फेक प्रोफाइल होती थी वो दिल्ली 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 ये सब वो सब, तो मैं बहुत उससे भी मैं बड़ा ओवरवेल्म्ड था कि अच्छा यहाँ की लड़कियाँ बड़ी सुंदर होती हैं, अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसे कार में ऐसे बैठ रहे हैं लोग, और मतलब ये बड़ी ग्लास बिल्डिंग्स हैं और ये अलग अलग शेप की बिल्डिंग्स हैं, कोई गोल है और कोई 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 लंबी है, कोई पतली है, और आपने बड़ी बिल्डिंग में 9 माला 10 माला देखा आपने, ये 24 माला 25 माला ये सब थोड़ा ज्यादा है, ये स्काई स्क्रेपर्स, हाँ ये गुड़गांव एक मिलेनियम सिटी है, और आप हाईवे से जा रहे हो जो बिल्कुल 16 लेन हाईवे है, और मैं देख रहा हूँ उसको और मैं बस ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ, ये तो जाते की कहानी। फिर मैं वापस आया सब, अब जब मैं आ रहा था वापस दिल्ली में, पहला दिल्ली की ठीक है, बस आप ले लेना ट्रेन वही इंदौर निजामुद्दीन इंटरसिटी एक्सप्रेस है, वो आप निजामुद्दीन एयरपोर्ट से निजामुद्दीन बस स्टेशन से, बस स्टेशन बोल रहा हूँ, बस अड्डा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से आपको ले ली। अब उसने क्या करा मेरे को ना बस वाले का, मैं बार बार पूछूंगा, दिल्ली के ठग बड़े मशहूर हैं, ये तो बहुत महसूस है, दिल्ली में कभी भी जेब कट सकती है और कुछ भी हो सकता है, और एक बार एक आदमी अपनी जोंगा खड़ी करके गया वो चाय पी के वापस आया तब तक जोंगा खुल के बिक चुकी थी। ये सब हमने किंवदंतियां है ना, ये मैं पटना में ऐसे सुन चुका हूं, जब पटना से दिल्ली आ रहा था बोला था बच के रहना ठगों से, बच के रहना कभी भी जेब काट ले, बैग है बैग आपको पैर के बीच में रखना है, ये सब सब। फिर वो बिल्डिंगें आ रही है, मैंने कहा ओ अच्छा 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 यहाँ का मौसम, गर्मी है अलग तरह की गर्मी है, सूखी गर्मी है वहाँ की ठीक है, इंदौर मालवा का मौसम बड़ा प्लेजेंट है, मतलब गर्मी बहुत गर्मी नहीं होती, ठंड बहुत मतलब उस तक अब तो होने लगी है मतलब, हाँ पर शबे मालवा बोलते हैं, अच्छा मालवा की शाम बड़ी प्यारी होती, गर्मी ठंड जैसी भी रहे 40-45 चाय चाय शाम बहुत सुंदर ठीक है। अब हम जा रहे हैं सब सूखी गर्मी हो रही है यहाँ पे क्या है, उसने हमको उतार दिया सराय काले खां की तरफ। अच्छा अब ये वाला एरिया तो देखा हुआ नहीं है, हाँ ये तो नया है। अब हम कंफ्यूज कि ये कहाँ उतार दिए, क्योंकि हम चल फिर के आए थे देखो, हाँ। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का अंदाजा हो गया मेरे को अब, क्योंकि हाँ, मैं उतनी देर 1.5 घंटा जब मेरा फोन ऑफ था मैं चला हूँ, मैंने पूरा स्पेस फिगर आउट किया है कि ये कहाँ है, तो कुछ नहीं है तो बिल्कुल डिफरेंट है, हाईवे पे उतार दिया उसने मुझे सरायकालेगांव, उसने सरायकालेगांव की तरफ भी नहीं उतारा मुझे, मेन रोड उसने रिंग रोड पे उतारा है मेरे को, सही दूर है यार वहां से, हां मतलब एक और वो अलग ही लगता है दोनों साइड बिल्कुल, यहां रेलवे स्टेशन किधर है, ये तो रोड है और सुनसान अलग है उधर, तो वो अब तो बारापुला का पुल बन गया है तो सुनसान है ये, कहां से मैं कहां पहुंच गया हूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किससे पूछूं मैं, तो पीसीआर वैन खड़ी थी जी, मैंने पूछा ये निजामुद्दीन स्टेशन, मुझे कहाँ जाना है तेरे को, मैंने कहा इंदौर, नाम क्या तेरा, अब वो होता है एकदम से आपको ठीक है कि क्यों पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं, तो हम लोग जाकिर खान नाम, चल बैठ, अच्छा बैठ गया गाड़ी, मैं वैसे हुआ कि नहीं नहीं बोले बैठ जा मैं जा रहा हूँ, बैठ गया मैं बैग लेके, और मेरे इतनी धड़कने थी जरूर कि कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, और बच्चे भी तो यंग भी तो है ना, दुनिया कहाँ देखी है, 19-20 साल के आप लड़के क्या पता है आपको ना, उससे मेरी थक 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 हो रहा है, उसने मुझे बोला, उसने मुझे उतारा और बोला कि बेटा रहना नहीं है ना जा, उसने इस साइड उतार दिया, उसने उतारा मुझे स्टेशन लेके गया, ओ अच्छा बेटा डरना नहीं, अरे क्योंकि उसको मालूम था मैं क्यों डर रहा हूँ, अच्छा उसने मेरे डर को साफ किया, ऐसे बहुत सारे अच्छे लोग मिले मुझे, कुछ लोग होते हैं जो आपके पूर्वाग्रहों को पुख्ता करते हैं, बिल्कुल कुछ लोग होते हैं जो उनको चैलेंज करते हैं, वो आदमी मेरे लिए अरे वो बना, उसने मेरे पूर्वाग्रह को चैलेंज किया, उसने बेटा डरना नहीं है ना, और खुल के नाम बताया कर, नाम बता तेरा नाम है ना, अरे तेरा नाम है ना, वजन से लेना चाहिए अपना नाम हमेशा, अरे वाह तो उस दिन का दिन है आज का, तब तक मैं अपना नाम बड़े वजन से लेता हूँ, तो नाम क्या बनता जाकिर खान नाम ठीक है, अरे बड़ी अच्छी कहानी, मुझे कहानी नहीं पता, मैंने आपको वादा किया था, सही है, तो वो भाई दिल्ली, उसके बाद हम इंस्टीट्यूट में जो हमने एडमिशन लिया वहां पे बड़े प्यारे लोग मिले हमको, उनमें बहुत अच्छा हमारा चलता वहीं था, पे विश्वास मिला। वहीं पे विश्वास मिला, तो विश्वास जब मिला पहली बार तो विश्वास आया नहीं रूम देख के, अच्छा 1.5 दिन तक वो पहुंचा नहीं वापस, तो पापा के साथ था तो मैं तमीज से बात कर रहा था उससे, हाँ देख लो यार तुमको आना ही नहीं है, हाँ बता देना कब तक पहुंचोगे, मैं पापा को विश्वास से इसलिए बात करता था कि मेरे पापा को अश्योरेंस मिल जाए कि मैं सेटल हूँ, अच्छा ठीक है ना, मतलब अपना ठकड़ एटीट्यूड वाला जाता नहीं ना कभी भी, तो मैंने पापा जैसे ही गए फिर मैंने विश्वास को बोला कि भाई तेरे को नहीं आना तो तू बता दे मेरे को, अच्छा। फिर मैं अपने हिसाब से देखूंगा, और मैं जनरली नहीं देख पाता मतलब मैं करता कुछ फिगर आउट पर पर मैंने विश्वास को क्लैरिटी दे दी थी उस टाइम पे कि भाई तेरा बता दे तेरा सीन आने का है या नहीं, क्यों विश्वास 1.5 दिन तक बात करने के बाद नहीं आया, तो उसने लगा कि अच्छा ये इतना ही बोल रहा है तो मैं आ जाता हूँ, तो विश्वास आया, विश्वास से मेरी पहली बार मुलाकात हुई इंस्टीट्यूट में, फिर हमने इंस्टीट्यूट में पढ़ना चालू किया, वहाँ पे वहाँ का जो भी एक्सपीरियंस रहा वो बड़ा एनरिचिंग एक्सपीरियंस था,
प्लस दिल्ली के बच्चे हमने देखे, अच्छा ये कूल होते हैं ये वो फलाना टाइम का। फिर मुझे थोड़े दिनों बाद आभास हुआ कि दिल्ली का भी कोई दिल्ली का है थोड़ी कोई बहुत पुराना है, कोई हमसे थोड़ा पुराना है, बिल्कुल है ना, सब लोग कहीं से आए हैं। और ये मुनव्वर राणा साहब की किताब है मुहाज्जिर नामा, अरे वो उस बारे में कि पार्टीशन के बारे में वो किताब, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम सारे ही मुहाज्जिर हैं। आप पटना के हैं, आप अपने पापा से पूछेंगे तो वो आपको बता देंगे कि हम तो गांव के हैं। हाँ। आप वहां दादा से पूछेंगे तो बता देंगे एक्चुअली हम इस गांव के नहीं थे, हम उस गांव से यहां आए। आपकी चार पीढ़ी में सात जगह बदली होंगी आपने, बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो ये तो इंसानी फितरत है। तो इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि घर कहाँ, घर कहीं नहीं है, घर बनाना पड़ेगा आप तुमको, क्योंकि आपकी फितरत, आप कहाँ से हो, क्योंकि आप जहां से हो वहां से भी आप चार पीढ़ी पीछे जाओगे तो हम आगे भी नहीं हो, कहीं और के नहीं, तो वो वाली बात है। इसलिए तो हम दिल्ली के लोगों को हमने देखा। फिर हम उस टाइम पे एक आंदोलन चल रहा था, वो उसके हम विटनेस बने, अन्ना आंदोलन। हाँ अन्ना आंदोलन, ये मैं कहता नहीं हूँ कभी, पर मैं अन्ना आंदोलन में हम, क्योंकि हमको लगा कि हमारे पास पैसे नहीं होते थे, हम बोला इतनी भीड़ लग रही कोई तो खाना बांट ही रहा होगा, वहां चल रहा था अनशन, ठीक है, खाना बांट रहा होगा, वहां चल रहा था अनशन। चलो माओ ऐसे भी जंतर मंतर पे 20 रुपए का डोसा मिलता तो उस साल 60 रुपए में बेच रहा था। बहुत ही उस आंदोलन को इस पर्सपेक्टिव से तो शायद ही किसी ने देखा है, मतलब हाँ ये बहुत ही नया पर्सपेक्टिव है, इतने सालों बाद आपने एक अलग पर्सपेक्टिव दिया है मुझे उस आंदोलन को देखने का। हाँ बट बहुत इंटरेस्टिंग। तो वहाँ हम बेरोजगार होते थे और हमने अपना बेरोजगारी में कर लिया था नाम, बाय द वे। हाँ हमें नौकरी लगी नहीं ढाई साल तक, हम दिल्ली में कैसे जैसे करके हमने सर्वाइव किया। बीच में जयपुर गए हम तीन चार महीने के लिए, वापस आए हम दिल्ली, दिल्ली में जब हम वापस आए साहब कोर्स खत्म करने के बाद, और ये हमने बहुत मामूली बातचीत हमने करी क्योंकि हम इंस्टीट्यूट वालों के साथ ही रहते थे उस मोहल्ले में, हॉस्कस विलेज में हमारी कोई बहुत ज्यादा बातचीत नहीं थी, हमने उसे खजराना बनाया अपना कि हम निकलते हैं बाहर, हम पर यहाँ हमारी कोई बातचीत नहीं। अच्छा अपनी चलती इतनी थी इंदौर में माशाल्लाह से कि अपने दोस्त का फोन आया मेरे को 15 दिन बाद, और यहाँ दिल्ली में कोई पूछ नहीं रहा, अपन बिल्कुल तन्हाई के शिकार है यहाँ पे। भैयू का फोन आया, कृष्णकांत का फोन आया मेरे को, कहता भाई कैसा है, मैंने कहा बढ़िया भाई, दिल्ली में अपना एक छत्र राज हो गया है कि नहीं, सिर्फ राज से नहीं चलेगा, एक छत्र राज, एक छत्र राज हो गया दिल्ली में, दिल्ली। और मेरे को 15 दिन हुआ यार, 15 दिन हुआ, और मेरे को मालूम है वो लाउड स्पीकर में बात कर रहा है, वो क्लेम कर चुका है कि भाई अभी तो 15 दिन तो कर लिया होगा उसने। मेरे दोस्तों को बहुत भरोसा है, आप अभी उन्हें बोले कि ओबामा को जाकर ने नौकरी पे रख लिया, मेरे दोस्तों को एक भी वो नहीं होगा उनको कि उन्हें कोई शक हुआ नहीं है मेरे किसी भी स्टंट को लेकर, आप चाहे वो मानने को तैयार है वो कि हाँ कर दिया होगा, क्या होगा उसने, हाँ सैलरी पे थोड़ा नेगोशिएशन चला होगा, चला होगा लेकिन रखा तो होगा। अगर उस वो था, मतलब उनका वो रहता कि वो मिला था क्या, अगर ओबामा और वो मिले हैं तो ये हो गया होगा कुछ तो सही, उनका बस यही कि या तो अमेरिका गया नहीं है कि नहीं, अभी कब बात हुई उसकी, उनका वो रहता कि उनको क्वेश्चन इंसिडेंट पे क्वेश्चन नहीं है, हाउ दे वांट टू नो, हां मतलब हुआ तो है, कैसे हुआ, कैसे हुआ ये बता दो, उस पे बात करते हैं ना, बात करते हैं। तो उनका वो था कि भाई, मैंने कहा नहीं भाई, भैया थोड़ा टाइम लगता है, बड़ा शहर थोड़ा तो यार बड़ा है, थोड़ा बड़ा है ये, हां यार थोड़ा टाइम लगेगा, कहता कर लेना तू कर लेना, मैं करता हूं भैया करता हूं, कर लिया है। तो मैं भाई एक बार क्या हुआ, ऐसे मैं फोन पे बात कर रहा था, तो मैं इंदौर आया था किसी काम से, फिर पापा ने बोला अहमदाबाद में अब्बा जी से मिलने, कुछ काम से मुझे अहमदाबाद जाना था, मैं फोन किया तो क्या, मैंने कह रहा है कुछ नहीं थोड़े दिनों में इंदौर खरीद लेंगे, तो बस में बगल वाला बंदा हंसने लगा, कहता क्या, मैंने कहा क्या हुआ, कहता इंदौर खरीद लोगे तुम, मैंने कहा खरीद लेंगे तेरे को भी खरीदेंगे। तो क्या बोलूं मैं अब, वो बोलने में ऐसा, अरे इंदौर खरीद लेंगे थोड़ा, ऐसे ही वो तो ऐसे ही बोला था, ठीक है, वो उसमें क्वेश्चन करने लगे यार ये तो है, तेरे को भी खरीद लेंगे, तू अपना देख समझा, जस्ट ऑडेसिटी है वो और कुछ नहीं, सही बात है। तो दिल्ली में हम वहां रहे, हमने ये किया, हम पहली बार विश्वास को मैं ले गया करीम्स, ठीक है, अच्छा। तो मैंने बोला कि मुझे लगा 3 महीने के लिए मैं आया हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगा, तो मैं उसको बोले भाई पुरान दिल्ली देखने चलते हैं, पहले चांदनी चौक में हमने कहा पुरान दिल्ली, मैंने कहा जामा मस्जिद देख लेते, मैंने कहा करीम से करीम चल चलते हैं, करीम से बोले यार खाना नहीं खाऊंगा, मैंने कहा मैं वहाँ ले गया, और उसके बाद मैंने बोला देख भाई मैं आया हूँ, मेरे घर वाले तो जो है बहुत गाली देंगे कि तू दिल्ली या करीम खा के नहीं आया, तो मैं तो खा रहा हूँ तू अपना देख ले, तू चाट चूट खा लेना बाहर के, मेरे को खा लेने दे, सही बात है। तो हमने वहाँ खाना खाया था, वो हमारा शुरू का हमारा वो है। फिर ऑल इंडिया रेडियो में मेरी नौकरी नहीं लगी, उन्होंने मुझे रख लिया दया खा के, ठीक है, 210 रुपये पर डे, तो 420 रुपये हफ्ते के होते थे, दो दिन हफ्ते में करना होता था। तो मैंने कहा यार 420 का अमाउंट बड़ा, 120 का अमाउंट
ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। तो उनके ना युवानिश का जो स्टूडियो था उसकी चाबी मेरी नौकरी लगने के बाद तक मेरे पास थी। तो दानिश इकबाल करके हमारे एक सर है, बहुत प्यारे, उन्होंने बहुत हमको बहुत लाड से रखा। तो उन्होंने हमको फोन किया नौकरी लगने के 6 महीने बाद कि जाकिर मियां वो चाबी आपके, बहुत उनका ह्यूमर बड़ा ड्राई है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत शार्प वो। ऑल इंडिया रेडियो में सब लोग इतने सुस्त और वो अकेला एकदम एकदम ऐसा जो वो जोक पे जोक मारे जा रहा, कोई रिएक्ट क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा और हम पागल होते थे उनके जोक से। तो दानी कॉल साहब के जाकिर मियां वो चाबी आपके पास है हमारी। तो मैंने बोला सर दूसरी चाबी है ना अलमारी के ऊपर रखी। उन्होंने कहा पर ये पहली भी तो आप कभी वापस करेंगे ना। मैं कहा सर करता हूँ। बात तो सही है। तो मैं उनको मिलने गया, मेरे को बड़ा मेरा बड़ा मन है उनसे मिलने का, मैं मिल नहीं पाया उनसे। हाँ। पर वो थे तो उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो दिल्ली मेरे लिए ये सारे ये लोग, फिर जब नौकरी लगी जी और उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात हुई। हाँ, मेरी मुलाकात तो आपसे नौकरी के बाद हुई। जी जी, नौकरी आप उसमें रेडियो में कर रहे थे। हाँ। और तो दिल्ली क्या क्या दिया, दिल्ली ने क्या क्या दिया, तो मैं सबको ये कहता हूँ। और दिल्ली ने क्या क्या लिया मैं बताता हूँ आपको, कि मैं सबको ये कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी माँ देवकी थी लेकिन उनको पाला यशोदा ने था। तो वैसे ही दिल्ली मेरी, इंदौर मेरी देवकी है और दिल्ली मेरी यशोदा है। मुझे दिल्ली ने पाला, मुझे जो मैं बना हूँ ना। हाँ। वो दिल्ली ने बनाया है मेरे को, जो भी जैसे भी मैं, मेरी समझ बिल्कुल एक जो फिलोसॉफिकल माइंडसेट है, जो कल्चर की समझ है, जो अलग अलग तरह के लोगों से मिलने का जो मादा है मेरा, जो हिम्मत है, कुवत है, वो दिल्ली से आई है मेरी। दिल्ली ने क्या क्या दिया वो बताता हूँ मैं आपको, दिल्ली ने क्या क्या लिया है वो पहले बताता हूँ। मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से आया था। मैं 2.5 साल दिल्ली ने मेरे को, मतलब मेरी हड्डी का कोई ऐसा टुकड़ा नहीं होगा जिसके चूरे नहीं हुए होंगे वहाँ पे। मेरे आत्मसम्मान से लेकर मेरे अहम का बिल्कुल उसकी रबर रबर हो गया वो। अच्छा। जिस हालात में वो शुरू के 3 साल रहे, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों का प्यार मिला, पर बहुत लोगों से जिल्लत बहुत मिली। और वो दिल्ली की जो सुंदर बात मुझे लगती है कि या तो आप, वो बदमाशी का शहर है, या तो आप थप्पड़ मार दो वरना आप थप्पड़ खा लो। और ये सिर्फ फिजिकली की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिनोमिनली बात। ऑफ कोर्स, या तो आप उन पे चढ़ जाओ दिल्ली पे, या तो दिल्ली पे आप चढ़ जाओ दिल्ली आपको अपना लेगी, या दिल्ली आप पे चढ़ेगी फिर वो आप कुचलेगी आपको। तो हमको रिकवर होने में उससे, हम इनोसेंस थोड़ी लूज हुई दिल्ली में। हाँ ना, कि वो एक ही घर से पहले ही मासूमियत बेच दी मैंने। बहुत महंगी चीज़ बड़े सस्ते में निकालनी पड़ी। ठीक है। तो वो रहा जो एक दुनिया में सब पे भरोसा करने का जो एक ट्रेड था हमारा, जो हम मालवा से लेके आए थे, वो छिना। अपने लिए लड़ने का जज्बा उस शहर ने दिया। 3 साल तक हम बहुत, हमें नहीं लगा था कि कभी भी हमारा यहाँ पे कुछ होगा इस शहर में, इस दुनिया में हमारा कुछ भी होगा। मैंने जिशान को भी दिन फ़ोन करके बोला था कि मैं ना फुटबॉल बहुत अच्छी खेलता हूँ, क्योंकि उसका दायरा मुझे मालूम है। और अच्छा। अब इस दुनिया के दायरे से जब मैं बाहर निकला हूँ तो मुझे पता ही नहीं कि गोल पोस्ट किधर है। मैं लात तो बहुत मार रहा हूँ, मैं दौड़ बहुत रहा हूँ, पर मुझे पता ही नहीं कि जिधर मैं दौड़ रहा हूँ इस जंगल में कहाँ गोल पोस्ट है जहाँ पे जाके मेरा गोल हो सकता है, मैं कर पाऊंगा। कि मैदान ही नहीं है ना, मैदान का दायरा ही नहीं है कोई। तो मैं हमेशा सिस्टम का ही रोम है। स्ट्रक्चर अगर आप मुझे, स्कूल में ही रोम है, कॉलेज में ही रोम है, शहर में ही रोम, दायरा पता है, दायरा पता है। ये दायरा ही नहीं है यार, ये इतना बड़ा है, 7 विधानसभाएं लगती है, 7 लोकसभा 70 विधानसभाएं इतने वार्ड है यार, ये मतलब ये ना, तो इतना बड़े दायरे को कैसे आप हैंडल करोगे, कंटेन कैसे करोगे। हमको लोग कम पड़ते थे दिल्ली में, तन्हाई बहुत हुई हमारी। उसके बाद जब हम 1.5 साल बाद वापस आए ना, ये बात कहानी है 2008-09-10 के एंड में, जब हम 10 में हम जब वापस, 7 से 10 तक की बात है। अब 7 में आ गए थे, 8 में आए थे दिल्ली। अरे मैं भी 8 में ही आया था। हाँ वही। तो भाई 10 में जब हम वापस आए ना, हॉस्कस विलेज जब हम वापस गए मकान ढूंढने, तो हमको जिस ब्रोकर ने मकान दिखा उसने ब्रोकरेज नहीं ली। अच्छा। मकान मालिक ने शुरू के 3 महीने हमसे किराया नहीं लिया। दिल्ली ये भी है, ये भी है भरोसा, ये भी है। देखो सर बात, हम जिसके खाना खाते थे 40 रुपए के टिफिन में 7,000 बहुत होते हैं यार, 7,000 का उधार था उसका हम पे। यहाँ मैं कहता हूँ कि दिल्ली मेरी यशोदा, उसने मुझे पाला है, पाला है, प्रॉपर पाला है। वो मकान मालिक एक्स पुलिसमैन जाट, मुस्लिम पता जी बिल्कुल। वो अंकल हमसे पूछते थे, मकीसुद्दीन नाम था उनका। अच्छा। वो 1 तारीख को आते थे, पूछते थे बेटा पैसे हैं तेरे पास,
दे पाएगा? अरे ठीक है, तो हम कहते नहीं अंकल इसमें नहीं, अगले महीने, अगले महीने नहीं, अगले महीने, चार महीने के हो गए, छः महीने के हो गए, ऐसे उनका उधार हो जाता था, फिर वो चुकाते थे हम जाके पैसे लेके जाते थे, जो भी हमारा जब भी होता था। तो ये भी दिल्ली है भाई, बिल्कुल है ना। रैंडम लोगों ने बहुत मदद करी है, काम दिलवाया है, काम पहुंचवाया है, रेफर किया है, बिना रोजगार के मेरा नाम था रेडियो में। अच्छा, कि मैं इतना मशहूर बेरोजगार था कि मेरा हर कंपनी में नाम था, कि कोई भी अगर किसी को भी किसी कहीं पर हायर करना है तो पहले तीन नामों मेरा नाम रहेगा, कि इसको ले लो या इसको ले लो या जाकिर को ले लो। जाकिर तो है। अरे ये काफी इंटरेस्टिंग है। नौकरी का किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, दिल्ली का। तो मैं दिल्ली वापस इसलिए गया था क्योंकि मुझे नौकरी नहीं लग रही थी इंदौर में। मुझे लगा कि बड़े शहर का अगर बेरोजगार रहूंगा तो शायद किसी छोटे शहर में नौकरी लग जाए। तो मैंने जिन कंपनियों में मैंने अप्लाई किया था और मैं रिजेक्ट हुआ, उन सब कंपनियों में मैंने दोबारा अप्लाई किया, और जिस दिन मैंने अपनी नौकरी ज्वाइन करी थी उन सब का ऑफर लेटर मेरे मेल में था, ठीक है। और मैंने वो कंपनी ज्वाइन करी जो मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, जिसका मैंने कभी अप्लाई नहीं किया था। अच्छा जी, अरे वाह, अच्छा। तो बेसिकली जिस जिसने मुझे रिजेक्ट किया था उस उसका ऑफर लेटर मैंने ठुकराया है, लेके जिसने जिस जहां अप्लाई नहीं किया था वहीं ज्वाइन किया मैंने। अरे वाह, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये एक, 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 एक उसका एक उन तीन साल का बदला मैंने चुकाया मैंने, तो बदला लिया है, मतलब तो मैं लेता हूँ। हाँ, वो तो ऐसा, हाँ, वो करता तो हूँ मैं। हाँ, देखा है मैंने, मुझे मजा बहुत आता है। हाँ, उसका मजा है, मतलब वो अपने तरह मेटाफोरिकल बदला। हाँ, ऐसा थोड़ी ना है कि बदला होना के ये कि थप्पड़ ही मारना। हाँ, बदला थोड़ी होता है वो नहीं होता, शहर से लिया जो भी है। हाँ, उन लोगों से लिया जिन्होंने टुकराया था जिस तरीके से। तो ये बड़ा रहा फिर वहाँ पे भाई, ये कि हम क्योंकि घर छोड़ के गए थे ना तो इनफ नहीं लग रहा था हमको वहाँ पे। नौकरी भी बहुत मामूली थी जी, ऐसा कुछ हाथ, हम इंदौर में हमारा कद बहुत बड़ा था, शायद हम जिस खानदान से आते थे, जिस तरह का काम करते थे हम, जिस तरह के लोगों को हमने जितने विस्तार से हमने जिन लोगों को मुंह लगा रखा था कि स्कूल के भाई 15-25 दोस्त हैं, म्यूजिक वाले अलग है, कॉलेज वाले अलग है, इन सबके अलग अलग ग्रुप हैं, अलग अलग पिकनिकों पर आप जाते हो, इतना विस्तार हमारा था। वो जो बात छोटी सी हमारे वालिद साहब ने कही थी कि बेटा जहाँ रहो रिश्ते बना के रखना, ठीक है, वो जो धागा हम पिरो कर रहे थे वो माला बहुत बड़ी थी हमारी। दिल्ली में बहुत संकुचित हो गया। अच्छा, छोटा। अच्छा, तो हमको लोग चाहिए थे बेसिकली, और हमारा इंस्टीट्यूट ही 12 लोगों का था। और बेरोजगारी में तो और तनहा हो जाते हो आप, बिल्कुल। तो हम जब नौकरी करने लगे तो हमको वो भी इनफ नहीं लगा, हमको यानी कम लोग हैं, काम और लोगों से मिल सकते हैं। इसलिए हमने पोएट्री और कॉमेडी करना चालू किया। पता हमको बहुत 2010 से हमको पता था, पर हमारे पास पैसे नहीं थे, हम एक्स्ट्रा कुछ भी करने का अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कपड़े नहीं थे यार, स्वेटर ना 3 महीने चलता है, ठीक है। अब एक ही स्वेटर अगर आपने लिया हुआ है तो आप एक ही स्वेटर पहनोगे। अब ऑफिस में बोले अरे स्कूल ड्रेस देगा तेरी, हाँ लोग टोक देते हैं, लोग बोल देते हैं आपको, पर आपको अब आपका इतना कर्जा, इतनी आप उससे जिल्लत से गुजर रहे हो कि आपको वक्त लगेगा उसको बनाने में दोबारा। तो यहाँ पे दिल्ली के बारे में बात होती है जी। अब दिल्ली से आगे बढ़ते हैं, दिल्ली को बहुत सुंदर समझा हमने, देखा क्या लिया क्या दिया, उसके बाद तो मतलब मोटा मोटी तो सबको पता है कि जर्नी कहाँ होती है, कैसे होता है। बम्बई आते हैं आप, बम्बई के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि मेरे बम्बई आने में भी आपका एक बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि मुझे याद है, मतलब मैंने वो सिर्फ आपको कभी बताया होगा या फिर कुछ दोस्तों को बताया, ऑब्वियसली मैं मुझे बहुत, मैं भी बोलता हूँ और मैं जब बोलता हूँ तो मेरे थोड़े से रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि मैं नौकरी कर रहा था जी और सही नहीं चल रहा था, चीज़ें होती हैं, नौकरी के लिए बने नहीं है अपन, वो सब दिमाग में चल रहा था। मैंने आपको फ़ोन किया था एक बार जी, और मैंने फ़ोन किया था कि जाकिर भाई अपने थिएटर किया है साथ में, आपने देखा है क्या हूँ क्या नहीं हूँ, पता है कैसा राइटर हूँ कैसा एक्टर हूँ, आपको पता है, आपको क्या लगता है बॉम्बे आना चाहिए क्या। आपने बहुत सुंदर बात बोली थी, बोला था कि निहाल भाई एक आर्टिस्ट के लिए तो बम्बई मौत की तरह है, यहाँ तो आना पड़ेगा। और भाई उसी दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया था, उसी दिन दिया था। तो मेरे आने में, हाँ उसके आने के लिए फिर वहाँ से उस रेजिग्नेशन के बाद मुझे 6 महीने लगे आने में, वहाँ पे समेट चीज़ों को समेटा वो सब किया, और आने के बाद देखा यार हाँ मतलब आ सकते हैं, ज़रूरी था आना। तो ये तो आपके कारण मैं आया, आप किस कारण से आए, बॉम्बे क्यों आना पड़ा, बॉम्बे के बारे में आपका क्या ख्याल है? तो मैं बताता हूँ भाई मैं किस कारण से आया। मैं सफ़र में हूँ, मुझसे नहीं टिका जाता एक साथ। मेरे साथ जो शायद वो आदत नहीं रहा कि स्कूल भी मैंने जो है एक नहीं किया, 3 बदले, ठीक है, कॉलेज भी 2 साल पढ़ा, उसके बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली में इंस्टीट्यूट के, उसके बाद जयपुर चला गया, फिर दिल्ली वापस आया हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं सफ़र पे हूँ जी। तो
दिल्ली में जब मैं था, मैंने जब नौकरी छोड़ी 2015 में, तो नौकरी जिन भी हालातों में छोड़नी पड़ी या शायद अच्छी चल रही होती तो वही कर रहा होता मैं, जो भी था, मतलब वहाँ पे जो भी हुआ, और कॉमेडी काम बहुत अच्छा चल रहा था उस वक्त, पर्सनली जो भी चल रहा था, बिल्कुल पर्सनली जो भी चल रहा था वो सब था टर्मोइल उसका, तो हमको लगा कि उस वो एस्केप प्लान था वहाँ से निकलने का मेरे ख्याल से, कि कैसे एक नौकरी से ना आप एक वैल्यू अटैच करते हो आप, है ना, आपके माँ बाप इंदौर में बैठ के बड़े फक्र से बात करते हैं, हमारी मम्मी बताती है इतनी ऊंची बिल्डिंग है कि गर्दन दुख जाती है देखते हैं, वैसे थी उतनी ऊंची थी टाइम्स की वो बिल्डिंग ना, 17 माले की बिल्डिंग, 18 माले की बिल्डिंग, इतनी ऊंची थी कि गर्दन दुख जाती है उसको देखने में, भाई का ऑफिस ऐसी जगह पे, भाई चाहे कैसा ही रह रहा हूँ वहाँ पे, भाई के चाहे कुछ भी हालात हो रहे हो वहाँ पे, पर वो प्राइड आप इतना नौकरी से अटैच करते हो ना, आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा हो जाता है वो, बिल्कुल। तो जब आप वो छोड़ने का फैसला लेते हो, मुझे बड़े बहुत जहीन लोग लगते हैं जो नौकरियाँ बदल पाते हैं, रह पाते हैं, हमको इतना लॉयल्टी का इतना वो सिखाया गया है कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ फाइव इयर्स, आपके चरणों में गुरुजी, है ना, सही बात है। तो वो छोड़ने के बाद हमको जैसा भी लगा कि हमको एक मेमोरी ब्लॉक था उस शहर से जी, कि अच्छा हर जगह जो है किसी शख्स के साथ देखी हुई है, हर जगह जो है किसी के साथ रहे हुए हो आप, वो सब भी था। तो मेरे ख्याल से वहां से जब बॉम्बे, मुझे ऐसा लगा कि कॉमेडी सीन जो है वो बिगर है, बेटर है मुंबई का, तो वहाँ आना है। फिर ये दो तीन चीज़ें, इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो कि मैं किसी के अगेंस्ट ग्रज होल्ड नहीं करता हूँ, पर मैं इंसिडेंट्स सारे रख लेता हूँ। अच्छा, कि मैंने अपमान का बड़ा इस्तेमाल किया है, ठीक है ना, मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने तिरस्कार किया मेरा, ठीक है, क्योंकि उन्हें तो मैंने माफ़ किया, ठीक है, पर मैंने वो किस्से रख लिए, कहानियाँ रख ली, बिल्कुल। तो वो सब बड़ा होता था बॉम्बे कमेडियंस, दिल्ली कमेडियंस का एक वो था, वो क्योंकि मैं हिंदी में करता था, कोई पहचानता नहीं था मेरे को बॉम्बे में, और मैं अपने करियर के बड़े उरूज पे था उस वक्त, एज एन आर्टिस्ट मैं बहुत, मेरी ग्रिप आ गई थी उस तक 2014-15 में आ गए थे, मैं ग्रिप आ गई थी, मुझे आता था, मुझे बहुत दिल्ली में पसंद करते थे लोग, कि अगर मान लीजिए मैं किसी वेन्यू पे आ रहा हूँ ओपन माइक है, और मैं अगर मान लीजिए करने चला गया, और अगर एक 8-10 लोगों का ग्रुप है जो निकल रहा है तो रुक जाता था, तो वो वापस बैठ जाएंगे कि जाकिर आ गया, कि मैं अगर आ गया हूँ वेन्यू पे तो समराव जैसी जगह पे, अगर मान लो 30 लोग हैं तो मेरे आने और मेरे मतलब 4 लोगों के बाद अगर मैं हूँ तो वो 30 के जो है वो 100 हो जाएंगे इसके मेरे रन अप में ही, कि अच्छा जाकिर आ गया तो सब नीचे आ जाएंगे वो देखने के लिए। तो ये सब हो रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने बारे में एक बात जो मैं कहता हूँ कि मैं ना बहुत अच्छा राजा नहीं हूँ मैं, और ये स्कूल के ज़माने से मुझे पता है, अच्छा है ना, अच्छा, पर मैं वॉरियर बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये पता है, सिल्वर सर्फर जैसा हिसाब है अपना, कि हर बार एक नया प्लेनेट लगता है, नई जगह लगती है, नए लोग लगते हैं खाने को, ठीक है। अच्छा, तो मुझे ऐसा लगा कि दिल्ली का हो गया, हो पीक हो चुका है यहाँ पे, हो चुका था, यहाँ फिर मैं यहीं का रह जाऊँगा मैं ज़िंदगी में, मेरा एक ही डर है, मुझे डीजे और राधे भैया नहीं बनना है, ठीक है, क्योंकि वो जो उसकी लाइन थी ना रंग दे बसंती की, आमिर खान की, कॉलेज के इस तरफ मुझे कितनी ऐसे शीशे की तरह याद है, बिल्कुल सुंदर। तो ये लेकिन ये एहसास कैसे, क्योंकि मैं अपनी कहानी भी यहाँ पे खोज रहा हूँ ना, ये बातचीत में मैं भी अपने, मतलब क्या है कि हम बातचीत कर रहे हैं उसका मतलब ये भी तो है कि मैं भी अपने कई सवाल जो है उसके जवाब खोज रहा हूँ, पूछ नहीं रहा, बस खोज रहा हूँ कि एक आर्टिस्ट के लिए बम्बई मौत की तरह है जी, यहाँ तो आना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़ी लाइन है, और मुझे पता है कि जितने भी लोग देख रहे होंगे ना बहुत लोग आ जाएंगे इस चक्कर में। हाँ, लेकिन बॉम्बे क्यों है मौत की तरह? मैं आपको बताता हूँ कि वो इवेंचुअली तो आपको आना ही पड़ता है यहाँ पे, आप क्या है कि एक रीत होती ना, रीत हमको लगता है कि रीति रिवाज जो है हमको एक एक, एक वो जैसे कहते हैं ना कि एक कौन सा लेफ्टिस्ट टेम्परमेंट होता है ना कि रीति रिवाज ये क्यों हम क्यों ना करें ऐसा, पर उसका एक वैल्यू है कि बंबई में यहाँ आर्ट का काम होता है क्योंकि यहाँ पे, हाँ ठीक है, यहाँ फिल्में बनती हैं, यहाँ आर्ट का काम होता है, तो यहाँ आर्ट का यहीं होता है आर्ट का काम, फिजिकल प्रेजेंस की अपनी एक वैल्यू है। आप रिमोटली काम करते हैं, सब बढ़िया है, गोवा शिफ्ट हो गए हैं लोग पैंडेमिक में, आ गए वापस, सारे आ रहे हैं वापस, आना ही पड़ रहा है यार, है ना, फिजिकली जो लोग मान लीजिए जो दिल्ली में भी रहते हैं जो काम करते हैं वो बहुत रेगुलरली बॉम्बे आना पड़ता है उनको,
आना तो पड़ता ही है ना, आना तो पड़ता है, काम तो यही है ना, काम तो इधर, ठीक है। तो हर जगह की एक तासीर होती है उसका काम। जैसे अलीगढ़ में ताले बहुत अच्छे बनते हैं, क्या ताले का टेक्निक का प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, पर वो अलीगढ़ में बनते हैं। ठीक है, अरे वाह, गलौटी कबाब लखनऊ के बहुत अच्छे। क्या क्या रेसिपी का प्रॉब्लम है? सुंदर बात है यार, क्या सुंदर बात है यार, क्या सुंदर बात है। शहर का तासीर है, शहर की तासीर। एक एक जैसे को खाना जब बनता है ना, अमृतसर के कुलचे का क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आपको लगता है पानी का टेस्ट है? नहीं यार, जिस जमीन में वो मसाला उगता है, वो जो छोला जिस जमीन में उगता है, उसके जो मिनरल्स हैं, उसका जो टेस्ट है, उसका जो पानी है, उस जगह पे उस बर्तन का जो वो है, वो सारा मिलके वो अमृतसर का कुलचा है। वो रेसिपी नहीं है अमृतसर का कुलचा, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसका स्वाद वहाँ अलग है और बंबई में उसका अलग है, अलग है दिल्ली में, अलग है लुधियाने में, अलग है लुधियाना में, अलग है। मतलब सीधी सीधी बात है, हर जगह की तासीर होती है। एक योर हिस्ट्री ऑफ योर ज्योग्राफिकल हिस्ट्री कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू द बिहेवियर ऑफ इस जगह की तासीर में है। 100 साल से पिक्चरें बन रही हैं यहाँ पे, 100 साल से यहाँ पे ये काम हो रहा है। यहाँ पे कहीं भी भीड़ लगी होती है तो लोग खड़े होकर देखते नहीं, शूटिंग चल रही है। ठीक है, यहाँ लोग खोज रहे हैं अच्छा राइटर, कोई मिल जाए। दिल्ली में कोई नहीं खोज रहा अच्छा राइटर, लखनऊ में नहीं खोज रहे लोग अच्छा राइटर, यहाँ खोज रहे हैं ना, यहीं पे खोज। तो यहाँ होना पड़ेगा ना आपको, टकराओगे कैसे आप लोगों से? खोज तो रहे हैं, क्योंकि खोज रहे हैं ना, खोज रहे हैं। तो वो वाली बात है। तो हर तरह के आर्ट की जो है अप्रिसिएशन जो है हो सकता है वो ना, आपको कमर्शियल राजधानी है यहाँ पे, बिल्कुल पैसे का काम होता है यहाँ बहुत होता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो रीत है ना वो मान लेनी चाहिए। दूसरा क्या है कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जी बड़ी पर्सनल बात है जी। तो हमारे घर में ना बड़े चीज़ों से बहुत डर जाते हैं सब लोग। अच्छा, बड़ी चीज़ों से, बड़ी बात, पंचायत से, बीच में रहने से। तो एक खानदानी हमारी आदत है कि हम लोग ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल नहीं है फैमिली हमारी। उस चक्कर में हम लोग कहीं कोने में अपना एक सेटअप सा यूज करके चलाना पसंद करते हैं सब लोग। जैसे अब्बा जी हमारे ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी करते थे, उनको बॉम्बे ट्रांसफर आया तो सारे इंदौर ने उनको रोक लिया। अच्छा, कि नहीं नहीं आप तो बॉम्बे नहीं जा सकते, नहीं रहे। मैं लॉन्ग रन में देखता हूँ तो कि उनके करियर के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको बॉम्बे जाना चाहिए था। ये बात मेरे बचपन से मेरे जहन में कि उनको बॉम्बे जाना, सब लोग बोलते कि अब्बा जी को बॉम्बे जाना चाहिए था, है ना। तो मुझे मालूम है क्योंकि बॉम्बे, अब्बा से मैंने पूछा कि आप बॉम्बे क्यों नहीं, बोले यार वहाँ इतने सारे आर्टिस्ट थे, मैं खो जाता तो। ठीक है, है ना, उनका भी अपना डर है ना छोटा। सही बात। मेयर को ना इसीलिए मैं पंचायत में रहना होता है। मैं को बीच में मैं हारने को तैयार हूँ हर बार, पर मैं लड़ने को तैयार हूँ हर बार। मैं अपनी जिल्लत से नहीं डरता मैं। अरे, मैं और मैं अभिमन्यु की तरह हर चक्रव्यूह में घुसने को तैयार हूँ मैं, चाहे मैं निकल ना पाऊँ। ठीक है ना, पर मैं, मुझे तो, मैं नहीं बैठता कोने में भाई साहब। मुझे तो बिल्कुल एकदम बीच में, मेरी बीच में लगेगी कुर्सी और उसके लिए क्या करना है वो सब मैं करने को तैयार हूँ। उसके लिए जो भी होगा वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो वैसे जैसे मुझे लगता था कि मैं दिल्ली में, मैं बीच में बैठता हूँ, मैं पंचायत का, मैं सरपंच हूँ यहाँ का, तो आप यहाँ से निकलो। ठीक है, तब मैं बम्बई में सरपंच। बिल्कुल सही बात है। तो हम यहाँ पे भी, अब बम्बई का क्या है कि बम्बई में मैंने अपनी सरपंची छोड़ दी, क्योंकि वही सफर पे हो आप। तब मैं अलग ग्रुप देख रहा हूँ जिनमें, तो मेरे लिए जीवन दुनिया जो है वो एक गोल सीढ़ियों वाली बिल्डिंग है कि वो आपको लगता है कि अरे नए लेवल पे इनकी गिनती चलती, मैं तो अगले पे चला गया भाई। मैं सफर पे हूँ, मैं इसीलिए मैं कहता हूँ सफर पे। तो ऐसे हम यहाँ पहुँचे भाई, बहुत सुंदर। अब कैसे देखते हो बॉम्बे को यहाँ पे आने के बाद, आप कैसे देखते हैं? तो हमने 5 साल तक माना नहीं कि ये हमारा घर है। हम सबको कहते थे कि बम्बई में कहाँ रहते हो, तो हम कहते थे एयरपोर्ट पे रहते हैं। ये सुना है मैंने, है ना। ठीक है, हाँ, कि ये कमरा है जिसमें हम बैग खाली करने आते हैं, वरना तो हम एयरपोर्ट पे रहते हैं। ठीक है, लॉकडाउन में जो है हमने इसे घर बनाया। लॉकडाउन में हमने घर बनाया, लॉकडाउन में हमने अपनाया इस शहर को, हमने समझा कि क्यों है ऐसा, क्या है इसकी तासीर, अच्छा, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं यहाँ पे लोग, काम को लेकिन का टेम्परमेंट कैसा है। बड़ा बारीकी से मैंने इन लोगों को देखा, समझा, और इसलिए मुझे अब बम्बई से प्यार है। मुझे मोहल्ले पता है यहाँ के, अच्छा अंधेरी इस रास्ते से, अच्छे अच्छे इस रास्ते से जाते हैं, पर फिर भी मुझे दिल्ली से बहुत प्यार है। पर मुझे इन जनरल, अब मुझे शहरों से बहुत प्यार है। मुझे मैं एक सीरीज चलाना चाहता हूँ जिसके अंदर मैं हर शहर जाऊँ, उनके लोगों से बात करूँ कि तो मुझे ऐसा मानना है कि किसी भी शहर के बारे में अगर आपको जानना है ना, तो उससे मत पूछिएगा जो वहाँ रहता है, उससे पूछिएगा जो छोड़ चुका है। आए हाय, क्योंकि उसकी याद में जो शहर है ना वो बहुत खूबसूरत है बनस्पत उसके जो वहाँ रहता है। बिल्कुल, कि पटना जब मैं गया था इसीलिए मैं आपके साथ गया था।
हाँ यार हम साथ गए थे, साथ जाना था मुझे, ठीक है, मुझे मुझे भाई लोगों से इतना मुझे मोहब्बत है सच, मैं पता नहीं, मैं समझा नहीं पाता हूँ जो कहते हैं कि मुझे इतना अच्छा लगता है ना लोगों से बात करना, मिलना अलग अलग शहर के। तो मैं गुजरात रहा हूँ, आपको पता ही पता, बिल्कुल। मैं आपको बताऊँ कितने शहर रहा हूँ, बताओ। मैं इंदौर रहा हूँ जी, भोपाल में मेरे बहुत दोस्त रहे, रेगुलरली गया मैं, अच्छा है ना। और क्योंकि राजधानी है तो क्योंकि आप कल्चरली आप इतने कल्चरल कैपिटल वो है तो बार बार जाना पड़ता था। भोपाल बहुत रहा हुआ हूँ, दिल्ली रहा हुआ हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं मेरे गाँव रहा हुआ हूँ बहुत, गाँव राजस्थान, राजस्थान जी हाँ, हर गर्मी की छुट्टी में, दो गर्मी की छुट्टी में से एक तो वहाँ पे आपको बितानी। अच्छा, अहमदाबाद रहा हुआ हूँ, अहमदाबाद की फैमिली, फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली, चाचा हमारे सब वहाँ रहते थे, तो उनके यहाँ अब्बा जी को लेने लाने छोड़ना है क्योंकि एक ताऊ जी के यहाँ से आपको अपने यहाँ लेके आना, तो आपको लेने जाना पड़ेगा। अहमदाबाद से एक रिश्ता, पूरा रास्ता मुझे पता है बस का, अहमदाबाद से इंदौर का, ठीक है, ट्रेनें पता है मुझे कहाँ कहाँ की है। यहाँ ये तो पांच शहर है जिनमें मैं रहा हूँ, पुणे में मेरा भाई रहता है, मेरा घर पुणे, पुणे अब तो बिल्कुल, अब पुणे में घर है मेरा, पुणे में, ठीक है ना। मुंबई में मैं रहता हूँ, मुंबई में, दिल्ली में मैं रहा हूँ, शहर है, ठीक है ना। मेरे पापा लखनऊ रहे हुए हैं, अच्छा ठीक है, तो मैं लखनऊ जा रहा हूँ, एक रिश्ता लखनऊ से है ना। हमारी मम्मी बांदा के, उनका बचपन पूरा बांदा का है, तो यूपी से एक वो हमारा रिश्ता वहां से जुड़ता है, ठीक है। तो ऐसे मेरा पहला जो शो मैंने आउटसाइड ऑफ दिल्ली किया वो बैंगलोर था, बैंगलोर मैंने सबसे ज्यादा वक्त बिताया नॉन पॉपुलैरिटी में, ठीक है। अच्छा। मेरा पहला टूर अगर किसी स्टेट का किया तो मैंने गुजरात का किया, तो मेरा पहला शो जब मैं बनाता हूँ कहीं पे तो मैं सबसे पहले बड़ौदा जाता हूँ। अच्छा, कि मेरे दोस्त मनन, क्योंकि मेरा पहला स्पेशल कोई अगर देखने के लायक है तो वो बड़ौदा के लोग, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मुझे बुलाया था कहीं। अरे वाह यार, ठीक है, रिश्ते रिश्ते शहर से, रिश्ते बना के शहरों से मेरे रिश्ते, पंजाब से कितना प्यारा रिश्ता, पंजाब के शहरों से कितना ज्यादा प्यारा रिश्ता है आपका, वो इतना प्यार करते हैं। हां, मैंने देखा है, वो इतना प्यार करते हैं मुझे, और वहां पे मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है जहां मैं खड़ा होकर चाय पी सकता हूँ। अच्छा। और वो जबकि वो लिंग्विस्टिकली भी वो मेरी जबान से नहीं मैच करता है उसे, लेकिन प्यार बहुत करते हैं, क्योंकि दोस्ती मेरी, वो उनसे दोस्ती इतनी अच्छी हो गई मेरी। वो वहाँ पे जितने वहाँ पे गाते बजाते हैं लोग, जितने सिंगर्स हैं बड़े बड़े, और बहुत प्यार से मुझे रखते हैं, लाड से रखते हैं, लाड से रखते हैं, मतलब प्रॉपर की, हाँ यार बहुत प्यार से रखते हैं, मैंने देखा है इसलिए बोल रहा हूँ। मैं तो विटनेस हूँ ना, मैं तो यहाँ पे हर चीज का विटनेस हूँ जी भाई जी, यहाँ से तो वो है। तो ये सब पर भाई वैसा है कि जब आप अलिफ कहते हो तो बे सुनने के लायक हो आप, ठीक है, एक कहावत है। तो हम जो है उतना ही मेंटेन भी करते हैं फिर लोगों से, हम उतना ही प्यार करते हैं हम लोगों से, उतना ही हम अच्छे से रखते हैं। हमारे जैसे ये घर है, ठीक ठाक है ये घर, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग बुलाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पर आपने देखा ना भाई कि हम वो जो कमरे में भी रहते थे, वो जो 10x10 का कमरा था उसमें भी हम तो इतने ही ऐसी, हाँ उसमें भी मैं 10x जो हॉस्कास विलेज वाला कमरा था जी, उसमें मुझे याद है कि हमने 15 लोगों ने पार्टी की हुई है। हाँ, पर वो और हमको कोई वो नहीं था कि आ जाओ हमारा, हाँ, तो रहते थे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और बैठे यार, कोई जमीन में बैठा है, कोई पलंग पे बैठा है, ऐसा किया हुआ है, खड़ा है। बहुत ही बहुत प्यारी मेमोरीज है यार हॉस्कास विलेज की, बहुत प्यारी मेमोरीज है। तो वो जगह से नहीं है, वो दिल तो वैसे ही हमेशा से ना, आदमी में वही हूँ हमेशा से, तो ये भाई मतलब बहुत बढ़िया रहा यार, है ना, बहुत 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 सुंदर बातें, बहुत कुछ बढ़िया रहा, बहुत सारी बातें थी जो बहुत सालों से करनी भी थी, वो इसी बहाने हो भी गई, बढ़िया। और भाई क्या, अपनी कॉन्वर्सेशन तो रुकनी है नहीं। हाँ, अपन तो बात अपन तो करते रहेंगे ना, बड़ा ओवरवेल्म हो गया यार मेरा, मेरा जी भर गया मेरे एकदम से यार सब बात करके ना आपसे। हाँ, मतलब बहुत दिन से पेंडिंग था यार, हमने कभी बात नहीं की ऐसे। हाँ, तो वो भी थोड़ा सा कर लिया, ठीक है साहब, बड़ा मजा आया, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का देखने के लिए। क्या सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है भाई, मुझे नहीं पता, करिएगा बिल्कुल ज़रूर। निहाल भाई हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, ये इंटरव्यू जब हमने किया है तो यार इसको इंटरव्यू तो नहीं बोलूंगा मैं, हाँ ये जो बातचीत बातचीत हमने की है, ये जो मुलाकात मुलाकात हमने की है, हमने फिर से जो मुलाकात की है, वो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार निहाल भाई को, और आप सब लोगों का शुक्रिया इंटरव्यू देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो, ये जो पल है इसे छू लो, वो जो कल है उसे भूलो, वो जो ना मिल सका उसका क्या गम है, वो
जो ना मिल सका उसका क्या गम है, और जो है मिला वो भी क्या कम है। अपने अपने रास्तों पे हम हैं,